तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे एडवांस वर्ड जिनका अंग्रेजी भाषा में बहुत काफ़ी प्रयोग किया जाता है। अगर आप भी अंग्रेजी सीखने के बहुत एक्साइटेड हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा जो एडवांस वर्ड है क्या है। आज का जो मेरा पहला एडवांस वर्ड है उसका नाम है फॉर द टाइम बीइंग। क्या नाम है? फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग मीन्स होता है फिलहाल। फॉर द टाइम बीइंग मीन्स क्या होता है? फिलहाल। चलिए ना इसे प्रैक्टिस के माध्यम समझते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे इस पे सेंटेंस क्या बोले जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं, चलिए जानते हैं। फिलहाल मैं स्कूल जा रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू स्कूल। फिलहाल मैं गाना गा रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। फिलहाल मेरी मम्मी खाना बना रही है। फॉर द टाइम बीइंग माई मदर इज कुकिंग फूड। फिलहाल सचिन क्रिकेट खेल रहा है। फॉर द टाइम बीइंग सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो चलिए इसे प्रैक्टिस माध्यम समझते हैं कैसे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। क्या आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? फिलहाल मोहन कपड़ा धो रहा है। फॉर द टाइम बीइंग मोहन इज वॉशिंग क्लोथ। फिलहाल सचिन क्रिकेट खेल रहा है। फिलहाल वे लोग गाना गा रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। फिलहाल वे लोग गाना गा रहे हैं। फिलहाल बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फिलहाल सचिन क्रिकेट खेल रहा है। फिलहाल मोदी जी भाषण दे रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग मोदी जी इज डिलीवरिंग स्पीच। फॉर द टाइम बीइंग मोदी जी इज डिलीवरिंग स्पीच। फिलहाल मैं गाना गा रहा हूँ। फिलहाल मैं सो रहा हूँ। फिलहाल मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर। फिलहाल मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ। फिलहाल मैं पैसा कमा रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम अर्निंग मनी। फॉर द टाइम बीइंग आई एम अर्निंग मनी। फिलहाल मैं पैसा कमा रहा हूँ। फिलहाल वे लोग स्कूल जा रहे हैं। फिलहाल वह रोड पर दौड़ रहा है। फॉर द टाइम बीइंग ही इज रनिंग ऑन द रोड। फॉर द टाइम बीइंग ही इज रनिंग ऑन द रोड। फिलहाल मोहन सब्जी बेच रहा है। फॉर द टाइम बीइंग मोहन इज सेलिंग वेजिटेबल। फिलहाल मेरे पापा बाजार जा रहे हैं। फिलहाल तुम वहीं रुको। फॉर द टाइम बीइंग यू स्टे देयर। फॉर द टाइम बीइंग यू स्टे देयर। फिलहाल तुम खाना खाओ। फॉर द टाइम बीइंग यू ईट फूड। फिलहाल तुम खाना खाओ। फिलहाल तुम गाना गाओ। फॉर द टाइम बीइंग यू सिंग अ सॉन्ग। फिलहाल तुम गाना गाओ। फिलहाल तुम पत्र लिखो। फिलहाल तुम पैसा भेजो। फॉर द टाइम बीइंग यू सेंड मनी। तो मुझे उम्मीद है यह यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं अगला यूज क्या है। अगला जो मेरा यूज है उसका नाम है हाउ अबाउट। क्या नाम है? हाउ अबाउट। हाउ अबाउट मीन्स होता है कैसा रहेगा। हाउ अबाउट मीन्स क्या होता है? कैसा रहेगा। हाउ अबाउट मीन्स क्या होता है? कैसा रहेगा। हाउ अबाउट मीन्स क्या होता है? कैसा रहेगा। जैसे इस पे सेंटेंस कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं कि स्कूल जाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाना कैसा रहेगा। खाना खाना कैसा रहेगा। गाना गाना कैसा रहेगा। पत्र लिखना कैसा रहेगा। कंप्यूटर चलाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। कार चलाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट ड्राइविंग कार। कार चलाना कैसा रहेगा। पिज्जा खाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट ईटिंग पिज्जा। पिज्जा खाना कैसा रहेगा। कुर्सी पर बैठना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट सिटिंग ऑन द चेयर। कुर्सी पर बैठना कैसा रहेगा। स्कूल में गाना गाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट सिंगिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। मंदिर में पूजा करना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। रोड पर दौड़ना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट रनिंग ऑन द रोड। झूठ बोलना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट टेलिंग अ लाई। झूठ बोलना कैसा रहेगा। सही बोलना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट स्पीकिंग थ्रू। सही बोलना कैसा रहेगा। खाना बनाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट कुकिंग फूड। खाना बनाना कैसा रहेगा। डांस करना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट डांसिंग। डांस करना कैसा रहेगा। पानी पीना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीना कैसा रहेगा। मिठाई खरीदना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट बाइंग स्वीट। हाउ अबाउट बाइंग स्वीट।
मिठाई खरीदना कैसा रहेगा? मिठाई खरीदना कैसा रहेगा? सब्जी बेचना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट सेलिंग वेजिटेबल? सब्जी बेचना कैसा रहेगा? सब्जी खरीदना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट बाइंग वेजिटेबल? सब्जी खरीदना कैसा रहेगा? अंग्रेजी बोलना कैसा रहेगा? अंग्रेजी बोलना कैसा रहेगा? अंग्रेजी सीखना कैसा रहेगा? अंग्रेजी सीखना कैसा रहेगा? क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा? तो मुझे उम्मीद है यह यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब जो हम लोग का अगला यूज है उसका नाम है एज ऑफ नाउ। क्या नाम है? एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ मीन्स होता है आज के बाद। एज ऑफ नाउ मीन्स क्या होता है? आज के बाद। जैसे अगर बोलना होगा इससे संबंधित सेंटेंस है तो कैसे बोलेंगे? आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टॉक टू यू। आई विल नॉट टॉक टू यू। आई विल नॉट टॉक टू यू। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टॉक टू यू। आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट ईट फूड। आज के बाद मैं गाना नहीं गाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गो टू स्कूल। आज के बाद मैं सब्जी नहीं खरीदूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट बाई वेजिटेबल। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट बाई वेजिटेबल। आज के बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। आज के बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आज के बाद मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं कपड़ा नहीं धोऊंगी। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट वॉश क्लोथ। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट वॉश क्लोथ। आज के बाद मैं कपड़ा नहीं धोऊंगा। आज के बाद मैं बॉल नहीं फेंकूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट थ्रो बॉल। आज के बाद मैं बॉल नहीं फेंकूंगा। आज के बाद मैं कार नहीं चलाऊंगा। आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टेल अ लाई। आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज के बाद मैं गाना नहीं गाऊंगा। आज के बाद मैं गोरखपुर नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं कपड़ा नहीं धोऊंगा। आज के बाद मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। आज के बाद मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट फाइट विद यू। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट फाइट विद यू। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट फाइट विद यू। आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट हैव टी। आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊंगा। आज के बाद मैं नहीं नहाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट बाथ। आज के बाद मैं नहीं नहाऊंगा। आज के बाद मैं नहीं सोऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट स्लीप। आज के बाद मैं नहीं सोऊंगा। आज के बाद मैं नहीं खेलूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। आज के बाद मैं नहीं खेलूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट प्ले। आज के बाद मैं सही नहीं बोलूंगा। आज के बाद मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट अब्यूज यू। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट अब्यूज यू। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट अब्यूज यू। आज के बाद मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट स्कॉल्ड यू। आज के बाद मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। मुझे उम्मीद है यह यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का जो अगला यूज है उसका नाम है बाय द वे। बाय द वे मतलब होता है वैसे। बाय द वे मींस क्या होता है? वैसे। बाय द वे मींस क्या होता है? वैसे। बाय द वे मींस क्या होता है? वैसे। वैसे तुम क्या करते हो? बाय द वे व्हाट डू यू डू। वैसे तुम क्या खाते हो? बाय द वे व्हाट डू यू ईट। वैसे तुम कहाँ रहते हो? बाय द वे वेयर डू यू लिव। वैसे तुम क्या करते हो? बाय द वे व्हाट डू यू डू। वैसे तुम क्या करते हो? वैसे तुम क्या खाती हो? वैसे तुम क्या खेलते हो? वैसे तुम कब स्कूल जाते हो? बाय द वे व्हेन डू यू गो टू स्कूल। वैसे तुम कब स्कूल जाते हो? वैसे तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? बाय द वे व्हेयर डज योर फादर लिव। बाय द वे व्हेयर डज योर फादर लिव। वैसे तुम क्या खरीदते हो? बाय द वे व्हाट डू यू बाय। बाय द वे व्हाट डू यू बाय। वैसे तुम क्या खरीदते हो? वैसे तुम क्या पढ़ते हो? वैसे तुम क्या सोचते हो? वैसे तुम क्या देखते हो? बाय द वे व्हाट डू यू सी। बाय द वे व्हाट डू यू सी। वैसे तुम कब नहाते हो? हाँ, बाय द वे व्हेन डू यू बाथ। बाय द वे व्हेन डू यू बाथ। वैसे तुम क्या पढ़ते हो? वैसे तुम क्या कमाते हो? बाय द वे व्हाट डू यू अर्न। वैसे तुम क्या कमाते हो? वैसे तुम कहाँ रहते हो? वैसे तुम क्या पढ़ते हो? बाय द वे व्हाट डू यू रीड। बाय द वे व्हाट डू यू रीड। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का जो अगला यूज है उसका नाम है लुक्स एज। क्या नाम है? लुक्स एज। लुक्स एज मींस होता है लगता है। लुक्स एज मींस क्या होता है? लगता है। लुक्स एज मींस क्या होता है? लगता है। लुक्स एज मींस क्या होता है?
लगता है वह तुम्हारे पिताजी हैं, लुक्स एज ही इज योर फादर। लगता है वह तुम्हारा कोई है, लुक्स एज ही समवन टू यू। लगता है वह मोहन है, लुक्स एज ही इज मोहन। तो क्या आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे? चलिए जानते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। लगता है वह सचिन है, looks as he is सचिन। लगता है वह बहुत मेहनती है, looks as he is very laborious, looks as he is very laborious। लगता है वह क्रिकेटर है, looks as he is cricketer, looks as he is cricketer। लगता है वह कंप्यूटर ऑपरेटर है, looks as he is computer operator। लगता है वह मोहन है, looks as he is मोहन। लगता है वह गीता है, looks as he is गीता। लगता है वह तुम्हारा कोई है, looks as he is someone to you, looks as he is someone to you। लगता है वह गीता है, looks as he is गीता। लगता है वह बेईमान है, looks as he is dishonest। हाँ, looks as he is dishonest। लगता है वह बेईमान है, looks as he is dishonest। लगता है वह मेहनती है, looks as he is laborious। लगता है वह चोर है, looks as he is thief, looks as he is thief। लगता है वह चोर है, looks as he is thief। लगता है वह गायकार है, looks as he is singer, looks as he is singer। लगता है वह गायकार है, looks as he is singer। लगता है वह रंजीत सर है, looks as he is रंजीत सर, looks as he is रंजीत सर। लगता है वह रंजीत सर है, looks as he is रंजीत सर। लगता है वह आशुतोष सर है, looks as he is आशुतोष सर, looks as he is आशुतोष सर। लगता है वे लोग क्रिकेटर है, looks as they are cricketer, looks as they are cricketer। लगता है वह अंग्रेज है, looks as they are British। हाँ, लगता है वे अंग्रेज है, looks as they are Britishers, looks as they are Britishers। लगता है वे अंग्रेज है, looks as they are Britishers। लगता है वह चोर है, looks as he is thief। लगता है वह चालाक है, looks as he is clever। लगता है वह पागल है, looks as he is mad। लगता है वह दयालु है, looks as he is kind, looks as he is kind। लगता है वह दयालु है, लगता है तुम बेईमान हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का जो अगला यूज है, टायर्ड ऑफ। क्या नाम है? टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ मींस क्या होता है? थक गया हूँ, मैं खाना खाते खाते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग फूड, मैं गाना गाते गाते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग, मैं खेलते खेलते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग, मैं खेलते खेलते थक गया हूँ। मैं गाना गाते गाते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाते गाते थक गया हूँ। मैं सब्जी बेचते बेचते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ सेलिंग वेजिटेबल, मैं सब्जी बेचते बेचते थक गया हूँ। मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। मैं काम करते करते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, मैं काम करते करते थक गया हूँ। मैं पैसा कमाते कमाते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ अर्निंग मनी, मैं पैसा कमाते कमाते थक गया हूँ। मैं क्रिकेट खेलते खेलते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलते खेलते थक गया हूँ। मैं पूजा करते करते थक गया हूँ। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ। मैं सोते सोते थक गया हूँ। मैं काम करते करते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, मैं कपड़ा धोते धोते थक गया हूँ। मैं खाना बनाते बनाते थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड, मैं खाना बनाते बनाते थक गया हूँ। मैं झूठ बोलते बोलते थक गया हूँ। मैं सही बोलते बोलते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, मैं सही बोलते बोलते थक गया हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का जो अगला यूज है उसका नाम है कम वाट में। क्या नाम है? कम वाट में, चाहे जो कुछ भी हो। कम वाट में मींस क्या होता है? कम वाट में मींस क्या होता है? चाहे जो कुछ भी हो। कम वाट में मींस क्या होता है? चाहे जो कुछ भी हो। कम वाट में मींस क्या होता है? चाहे जो कुछ भी हो मैं स्कूल जाऊंगा। कम वाट में आई विल गो टू स्कूल। चाहे जो कुछ भी हो मैं खाना खाऊंगा। कम वाट में आई विल ईट फूड। चाहे जो कुछ भी हो मैं क्रिकेट खेलूंगा। कम वाट में आई विल प्ले क्रिकेट। चाहे जो कुछ भी हो मैं कपड़ा धोऊंगी। कम वाट में आई विल वॉश क्लोथ। तो क्या आप लोग समझ में आ रहा है ना? चलिए ना इसे प्रैक्टिस के माध्यम समझते हैं। चाहे जो कुछ भी हो मैं पैसा कमाऊंगा। चाहे जो कुछ भी हो मैं अंग्रेजी बोलूंगा। कम वाट में आई विल स्पीक इंग्लिश। चाहे जो कुछ भी हो मैं गाना गाऊंगा। चाहे जो कुछ भी हो मैं दिल्ली जाऊंगा। चाहे जो कुछ भी हो मैं सुबह में उठूंगा। आई विल वेकअप इन द मॉर्निंग। आई विल वेकअप इन द मॉर्निंग। कम वाट में आई विल वेकअप इन द मॉर्निंग। चाहे जो कुछ भी हो मैं रोड पर दौड़ूंगा। चाहे जो कुछ भी हो मैं टहलूंगा।
कम वाट में आई विल वॉक, कम वाट में आई विल वॉक, चाहे जो कुछ भी हो मैं पढ़ाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो मैं खेलूंगा, चाहे जो कुछ भी हो मैं पिज्जा खाऊंगा, कम वाट में आई विल ईट पिज्जा, कम वाट में आई विल ईट पिज्जा, कम वाट में आई विल ईट पिज्जा, चाहे जो कुछ भी हो मैं कपड़ा धोऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो मैं सोऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो मैं तुम्हें मारूंगा, कम वाट में आई विल बीट यू, चाहे जो कुछ भी हो मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई विल टीच हिम, आई विल टीच हिम, कम वाट में आई विल टीच हिम, चाहे जो कुछ भी हो मैं नहाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो मैं टीवी देखूंगा, चाहे जो कुछ भी हो मैं पैसा कमाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगा, कम वाट में आई विल कंप्लेन विद योर फादर, कम वाट में आई विल कंप्लेन विद योर फादर, कम वाट में आई विल कंप्लेन विद योर फादर, चाहे जो कुछ भी हो मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, कम वाट में आई विल नॉट ईट नॉनवेज, कम वाट में आई विल नॉट ईट नॉनवेज, चाहे जो कुछ भी हो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कम वाट में आई विल नॉट कुक फूड। तो मुझे उम्मीद है यह यूज भी इनको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगर मैं फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएं और उसका लाभ उठा पाएं और आसानी से अंग्रेजी सीख पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।